हाँ, हाइब्रिड एनालिसिस वीकली रिपोर्ट 24 दिसंबर स्टार्ट। इस बार का स्टॉक है साउथ बैंक, ऑलरेडी एंट्री में बना चुका हूँ ये डिप में, और टारगेट रहेगा 29 शॉर्ट टर्म के लिए और 35 थोड़ा बढ़ जाएगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा लग रख के चलेंगे 23 को, क्योंकि ये पीएसयू बैंक है और थोड़ी अंडर रेटेड है, तो इसका चांसेस लग रहा है कि ये कैपिटल गेन देगी, तो ये उसका चार्ट है। इमीडिएट टारगेट अभी जस्ट होने वाला है, उसके बाद 34 का देखेंगे आगे। सो अभी के लिए सिर्फ एक ही स्टॉक है मेरे पास। मैंने अभी तो बस एक टारगेट ही बुक किया है, बाकी ये सब सारे मेरे चल रहे हैं। इंटेलेक्ट में बस बुक किया है और तो बस चल रहे हैं सारे। नेशनल प्रॉफिट अभी एज ऑफ नाउ अगर हुआ है तो 17 जुलाई से, हाँ तो 62% आसपास बन रहा है, बट अभी जो ये डिप हुआ था उसमें थोड़ा नेशनल लॉस चल रहा है 4-5%। मेरी बाइंग प्राइस पे आ गए हैं इन द सेंस मेरे होल्डिंग्स। ओके ठीक है, बट ओवरऑल इतना बुक करके फिर अभी नया, हाँ ये बुक्ड है, नोशनल चल रहा है 4% आसपास ड्रॉडाउन, जो भी मैंने बुक नहीं किया तो देखा जाए तो 57% के आसपास है। हाँ वो आज बुक कर ले तो इसके आसपास रहेगा, ठीक है चलेगा। तो डिपेंड करता है मार्केट का सिनेरियो, फिर उसी हिसाब से आपका स्टडी के हिसाब से आप प्रॉफिट या लॉस बुक करेंगे, है ना। हाँ, वेट कर लेंगे और तो कुछ नहीं है स्विंग। हाँ ठीक है, तो आगे से हम हाइब्रिड के साथ साथ हम लोग ऑप्शन और ये सब चीज भी एंट्री करेंगे, मतलब हाइब्रिड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इट्स नॉट ओनली स्टॉक का स्विंग, हम सब कुछ ऐड करेंगे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, मतलब जनवरी न्यू ईयर से हम लोग सब कुछ ऐड करेंगे। उसके अंदर आप ऑप्शन भी कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग, तो हाइब्रिड रिपोर्ट के अंदर ये भी रहेगा, प्लस ओवरऑल आपका ग्रोथ जो है वो भी दिखाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, विल डिस्कस उसको भी पैटर्न प्लान आउट। सबका माइक नहीं आ रहा है, हेलो सर। हाँ बोल सर, लास्ट वीक मैंने दो स्टॉक्स लिए थे, एक बालमेर करके और एक पेरिमल एंटरप्राइज में, जिसमें पहले स्टॉक में 20% प्रॉफिट चल रहा है और दूसरे स्टॉक्स में 9% का ऐसे लग गया। इस वीक में तीन स्टॉक्स प्लान किए, एक एटोन एंटोमी वेस्ट जिसमें एक बियरिश चैनल का ब्रेकआउट मिला है विथ हायर वॉल्यूम, सो यहाँ पे 5% का स्टॉप लॉस रहेगा और 10% टारगेट। फिर दूसरा है सेट इंडस्ट्री जिसमें सेम बीएस चैनल थी, उसका ब्रेकआउट मिला है विद हायर वॉल्यूम, सो इसमें भी सेम 10% का टारगेट और 5% का स्टॉप लॉस रहेगा। और तीसरा ट्रेड है श्याम मेटालिक्स जिसमें एक बोलते हैं कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट करके ऊपर एक कंफर्मेशन दिया है, सो यहाँ पे भी मेरी एंट्री बनेगी जिसमें सेम 5% का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 10% का मेरा प्रॉफिट टारगेट रहेगा। ओके, कौन सा भी स्टॉक है आपको दिखा दोबारा, सभी लोग जो बाकी ये कर रहे हैं उसको दोबारा खाली एक्सेल दिखा दो, एक्सेल एक्सेल से एक्सेल। हाँ तो सभी लोग इसको देख सकते हो कि ये इनका प्लान है, तो आप नोट कर सकते हो, फिर आगे सभी लोग उसी हिसाब से प्लान आउट करना है। ठीक है, तो आपका पुराना अभी कंटिन्यू भी हो रहा है या अभी से जस्ट शुरू किया 2 हफ्ता हुआ? कौन सा सो मतलब आपका अभी 12 जैसे है 17 दिसंबर से चालू है या कब से चालू है आपका? नहीं सर, वो पहले तो मैं ऐसा ही करता था, लेकिन प्रॉपर जो आपने बोला है उसके बाद से प्रॉपर सिस्टम से ट्रेड कर रहा हूं अभी, कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, अभी वो हो गया, तो नेक्स्ट वीक को फिर देखेंगे ओवरऑल पीएनएल कैसे चल रहा है, ओवरऑल देखेंगे।
ओवरऑल पीएनएल जो जुलाई से मैं कर रहा हूँ हाँ मीन्स पहले से, हाँ उसमें 15-16% के आसपास है। 16% का ग्रोथ चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप मूव कर रहे हो, है ना? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, स्टॉप से आ रही श्रेया। श्रेया अगर है तो ठीक है, तो प्रेजेंट करो। फिर श्रेया के बाद सेल्जिया, फिर अशोक, फिर पलक। सर ये मेरा एंट्री बना था आईटीसी में, तो जो फॉल आया था उसकी वजह से मेरे टारगेट 1 के पास आ गया प्राइस, जो भी 455 के आसपास है, तो अभी कंटिन्यू चल रहा है इसका चार्ट। तो ये 470 का टारगेट तक मैं वेट करूंगी। और ये आरवीएनएल में भी ये फॉल की वजह से उस दिन मेरी एंट्री प्राइस के आसपास ही आ गया, तो इसके लिए भी मैं टारगेट के लिए वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो आगे का रिपोर्ट जैसे जैसे है वो बनता जाएगा, जैसे स्टडी आपका होगा फिर अकॉर्डिंगली एंट्री करेंगे, ठीक है। हाँ सर, और ये ओवरऑल ग्रोथ 16% के आसपास। ओवरऑल 16% के आसपास ग्रोथ है, ठीक है। सभी लोग अपना क्यूमुलेटिव ग्रोथ भी डिफाइन करते रहते रहना, ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्जा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज मॉनिटरिंग करना जरूरी है, बट परफेक्टली आपको एक स्टडी के हिसाब से एंट्री एग्री करना दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ सेल जा, सर इस बार विप्रो और टाटा कंज्यूमर है। विप्रो के चार्ट में ये दो प्लानिंग है, एक यहाँ पे आके वापस एंट्री देता है रिवर्सल के साइन, तो यहाँ पे बाय करना है इस टारगेट के लिए, या फिर ये इसका ब्रेकआउट मिल जाता है नेक्स्ट कैंडल में तो यहाँ पे ही बाय करना है। और टाटा कंज्यूमर में ये ऑल टाइम पे चल रहा है हाई पे, वीकली चार्ट पे अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ से बाय करना है, फिबोनाची के टारगेट पे रखा है पहला जो वो है। ओवरऑल आपका अभी कब से अभी ट्रेड चालू है? सर ट्रेड बहुत पहले से ही चालू है जब से। हाँ ओवरऑल अभी ग्रोथ कैसे चल रहा है? सर, ओवरऑल ग्रोथ मतलब अभी मैंने फंड ऐड किया है तो फंड पे 7.4% बन रहा है। ओके अच्छा ओवरऑल, बट पहले ज्यादा होगा, अभी ओवरऑल जैसे ऐड कर दिया तो थोड़ा सा कम हाँ हो गया, सर, यस सर, पहले ठीक है चलेगा। 18% है सर अभी। ओवरऑल हाँ, अगर सभी लोगों का कंपैरिजन जैसे आप देखो सभी लोग देखो ऐसा करें, बट इसके लिए भी एक प्लान करना है आपको भी, देखो ये भी आगे सभी लोगों के लिए आएगा। 20,000 में 18% हुआ तो इसको 18% को हम लोग अलग से रखेंगे, फिर अनदर जो 50% के आएगा ग्रोथ करेंगे, तो क्यूमुलेटिव ग्रोथ आपका वो देखेंगे। सो आपका एनालिसिस के लिए इतना दिन तक इतना ग्रोथ हुआ इसके हिसाब से मेरा क्या ग्रोथ चल रहा है। सो एटलीस्ट वही प्लान कि एटलीस्ट 2-3 महीना के अंदर आपका मंथली थोड़ा सा अच्छा आरओआई आपका जनरेट होना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हो तो आरओआई थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। सो ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखो और कीप ऑन मूविंग, चलो गुड। अशोक, अशोक प्रेजेंट करो। हाँ अशोक के बाद पल्लव फिर भरत। सर एक इस वीक में मेरे दो स्टॉक है, भारतीय एयरटेल और चैम्पलास्ट है। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, कंटिन्यू। हाँ, तो ये चार्ट में मेरा पहला टारगेट 1,008 रहेगा इसमें, और चैम्पलास्ट में 540 का टारगेट पहला है, और दूसरा छोटा ही है, दूसरा टारगेट भी है जैसे कि मैं बता देता हूँ चार्ट पे। जैसे यहाँ पे भारतीय एयरटेल में यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो यहाँ से मैंने एंट्री ले ली थी, और अभी मेरा रनिंग चल रहा है तो पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ तक रहेगा मेरा। और चैम्पलास्ट में भी वैसे ब्रेकआउट आया था अच्छा, तो मैंने एंट्री ले ली, यहाँ से पहला टारगेट यहाँ तक है,
और दूसरा टारगेट यहाँ तक रखा है मैंने। ठीक है, तो अभी तक ओवरऑल ग्रोथ कैसे चल रहा है? ओवरऑल अभी जो मैंने पिछले वो फर्स्ट टाइम किया था उतना ही है, बीच में मैं दो वीक तक कर नहीं पाया। ओके, तो ये मेरा 40% है और अभी ये दोनों रनिंग चल रहे हैं। ओके, सो हाँ ओवरऑल देखो सभी लोग जो भी देख रहे हैं विटनेस कर रहे हैं, इतना जो अभी सभी लोगों ने 8 से 10 जो किया है, सभी स्टॉक को सभी लोग खुद जाके सभी का स्ट्रक्चर में देखेंगे, फिर एनालाइज करके उसमें भी एक दो अगर बनता है तो आप भी अपना रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड कीप इट अप। ठीक है, नेक्स्ट चलो। ठीक है, पलक और ये वीकली जो रिपोर्ट हमने बना है दैट इज कंपलसरी हमने सभी लोगों के लिए किया, इसीलिए कि आप इसी बहाने एटलीस्ट 3-4 महीना ऑटो मोड में ट्यून हो जाओ कि एनालिसिस करो कि अपना ग्रोथ कैसे हो रहा है, फिर अपने आप धीरे 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 इसको और थोड़ा बढ़िया कर सकते हो। पलक प्रेजेंट करो, एक रूटीन में आ जाना चाहिए ये जितना भी जो चीजें हम बोल रहे हैं, ये सब रूटीन में आ जाना चाहिए आपके पास। हाँ कंटिन्यू सर, ये नेक्स्ट वीक के लिए जीएमआर इंफ्रा मेरी एंट्री रहेगी और ये आगे का RBL बैंक ऑल इंडिया और IRFC वो डाउनफॉल की वजह से वो एंट्री ऐसे ही है, तो टारगेट बुकिंग नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे मैंने फ्राइडे को एंट्री ली है, टारगेट 185 का रहेगा और इसमें हर बार ये सपोर्ट से अगर ऊपर जाता है तो ये टारगेट 2 को अचीव टच करता है, तो सेकंड टारगेट थोड़ा बड़ा रखा है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट वीक के लिए एक ही है, तो ये 3 टारगेट बुकिंग नहीं हुआ इसलिए। ओके ओके ठीक है, तो कंटिन्यू। ठीक है, ओवरऑल अभी ग्रोथ रिकॉर्ड रखा है आपने? सर ये इसमें ही हुआ है प्रॉफिट, दो में ही टारगेट बुकिंग हुआ है, तो अभी इसका कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल थोड़ा सा जब भी होगा तो हम ओवरऑल भी ग्रोथ करेंगे, बट यू आर इन पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है भरत। सर मेरा लैपटॉप बंद हो गया है अभी। कोई बात नहीं, खाली बोल दो। मैंने ONGC में लिया है एक, हाँ सुजलोन में लिया है, हाँ और एक इसमें किसमें ONGC सुजलोन और एक बी भारत इलेक्ट्रॉनिक में लिया है, फंडामेंटल बेस। ठीक है, हाँ और दो प्रॉफिट में चल रहे, एक में प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने, हाँ और दो में अभी ट्रेड चल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी होगा तो नेक्स्ट वीक में सब ओवरऑल सब प्रेजेंट करना सब कुछ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो बेसिकली मैं दोबारा सभी लोगों को बोल रहा हूँ, जो सभी लोगों ने जो किया है 8 से 10 जो प्रेजेंटेशन सभी लोगों ने किया है, उसमें भी कुछ स्टॉक आपके पास आना चाहिए, उसके अंदर से भी आप देखो, तो सभी लोग कुछ ना कुछ देखा है, आप भी उसको देखो, उसके अंदर भी आपको कुछ पिक मिलता है तो यू कैन टेक। ठीक है, सो इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट वीक फिर हम सेम 30th को या 31st को कोई अवेलेबल है या 30th को कर देंगे शाम को, कुछ ऐसा है कोई प्रपोजल है या वो सेशन में डिस्कस करके हम देख लेंगे। ठीक है ना,